अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस, इनडेफिनेट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं विच रेफर टू प्रोनाउंस और थिंग्स इन जनरल, जो कि नॉर्मल जो जनरल चीज़ें होती हैं या फिर पर्सन होते हैं उनको रेफर करते हैं, नॉट इन पर्टिकुलर, जो कि ख़ास ना हो। देखते हैं कि कौन से हैं। दिस आर सम, समबॉडी, समवन, एनी, एनीबॉडी, एनीवन, ऑल, नन, अस, वन, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, मैनी, मच, सेवरल, द अदर, अदर्स, अनदर, बोथ, नो अदर, नो। ये तमाम जो वर्ड्स हैं इनको हम लोग इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं, जो कि किसी भी शख्स या भी चीज़ को रेफर करते हों। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है कि कुछ इसमें ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं जिनके साथ वर्ब सिंगुलर लगता है और कुछ में वर्ब जो है वो प्लूरल लगता है। तो देखते हैं कि किन किन के साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर लगता है। एनीथिंग, एनी, समबॉडी, समथिंग, समवन, नो वन, नथिंग, नोबॉडी, नन, वन और एनीवन के साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब हम लोग यूज़ करेंगे, लाइक हैज़ यूज़ करेंगे, हम लोग इज यूज़ करेंगे। जबकि जो हैं मैनी, सेवरल, फ्यू, ऑल, इन चारों के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, लाइक हैव। एग्जांपल्स देख लेते हैं। समवन हैज़ कम टू सी यू। अब यहाँ पर समवन जो है इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया गया है, हैज़ कम टू सी यू, कोई आपसे मिलने आया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, सम स्टूडेंट हैव रीच्ड नाउ। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पहुँच चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।